हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाएंगे मखाने की खीर। जी हाँ, मखाने की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। और ये जो खीर है ये कृष्ण जन्माष्टमी पर स्पेशली बनाई जाती है भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए, तो आप भी इस बार जरूर बनाएं और भगवान जी को इसका भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दूध। यहाँ पे मैंने ये 1 किलो दूध लिया है। और उसके बाद चाहिए हमें चीनी। चीनी तो आप अपने हिसाब से जैसे भी खाते हो, अगर तेज मीठा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 150 ग्राम चीनी ली है एक कटोरी में। और हमने यहाँ पे लिए हैं ये 100 ग्राम मखाने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपको जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हैं, बट आप इसमें सूखा नारियल ना डालें क्योंकि उससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसके अलावा आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में लिया है मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच देसी घी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने रखा पैन और पैन में डालेंगे हम घी और घी को करेंगे हम अच्छे से गरम। जब घी हमारा गरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपने सारे मखाने। और मखाने डालने के बाद हम इनको अच्छे से भून लेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम में। फ्रेंड्स, ये जो मखाने हैं हम इसको हमने धीमी धीमी आंच पे भूनना है। और इसको भूनने का 2 रीज़न है। हम इसको ऐसे भी खीर में अपनी डाल सकते थे, लेकिन इसको अगर हम देसी घी में भून के डालेंगे तो उससे जो हमारा खीर का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, जो उसका स्वाद है वो बढ़ जाएगा। तो आप मखानों को ज़रूर भूनें, इसे आप ऐसे ही कच्चा ना डालें। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। इनका कलर भी देखिए आप, चेंज हो गया है। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इनको हम एक साइड ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इनको हम दरदरा कूट लेंगे। चाहे मैंने इसको मिक्सर में डालकर इसे ग्राइंड कर लिया है। और आप इसका पाउडर ना बनाएं, इसको थोड़ा दरदरा रखें। फ्रेंड्स, अब हमें पकाना है अपना दूध, तो आप इसे ढककर पका लें जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूध में आ चुका है हमारा अच्छा सा उबाल। और अब हम इसमें डालेंगे अपने ये मखाने जो कि हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। इसका पूरी तरह पाउडर नहीं बनाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दी है 2 इलायची कूटकर। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसे अब हम धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। हम अपना गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही कम से कम इसको आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। बस बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा दूध है ये देखिए, ये पक पक के ये आधा भगोना हो चुका है। जितना हमने रखा था उससे इसकी आधी क्वांटिटी हो चुकी है, लेकिन अभी भी खीर हमारी थोड़ी पतली है, तो इसको अभी हम 5 से 10 मिनट तक और इसको पकने देंगे। और साथ ही में हमने यहाँ पे ली है ये मथानी और इससे हम अच्छे से प्रेस करके जो हमारे थोड़े साबुत मखाने हैं इसको थोड़ा दबा दबा के इसमें मिलाएंगे, जिससे कि जो हमारी खीर की इक्वालिटी है, जो हमारी खीर में इक्वालिटी है वो आ जाए, अलग से दूध ना रहे। तो ये हमारे इस तरह मखाने अच्छे से इसमें घुल जाएंगे। तो ये स्टेप भी आपने ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी।
और इसको अभी हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। फ्रेंड्स अभी हमारा दूध थोड़ा अलग है और चीनी डालने से क्या होता है, चीनी अपना पानी छोड़ देती है, तो दूध हमारा थोड़ा पतला हो गया है, तो हम इसमें एक बार मथाने को और चला देंगे जिससे कि हमारी जो खीर है उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए और जो मखाने हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और देखिए अब हमारी खीर बनकर हो चुकी रेडी। फ्रेंड्स ये अभी आपको थोड़ी पतली लग रही है क्योंकि ये अभी गर्म है और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा जो इसका कंसिस्टेंसी है, ठंडा होने के बाद यह खीर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको हल्का सा पतला ही रखें। तो हमने अब डाल दिए हैं इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट और गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ और इसको अब हम 15 मिनट तक हवा में ठंडा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये खीर हमारी ठंडी हो चुकी है और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे बचा कर रखे थे, इससे मैंने इसको और डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए हमारी खीर कितनी सुंदर दिख रही है और ये देखने में इतनी सुंदर है लेकिन खाने में ये उससे ज़्यादा भी टेस्टी है और साथ ही ये हेल्दी भी बहुत है। और अगर हम और फ्रेंड्स जब भी आप इसको खाएं तो इसे कम से कम 2 घंटा फ्रिज में रख दें क्योंकि ठंडी ठंडी खीर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और थोड़ी ये और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो इसको खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो मैंने मखाने की खीर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे आगे अपने फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो उसके लिए मुझे कमेंट करें और साथ ही आप सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें जिससे कि मैं अब कोई सा भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।